नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग में वैलिडिटी के बारे में अपने शक का इजहार करना। आप इस सारी सूरत हाल को सर कैसे देखते हैं? देखिए, यही किसी आपने या मैंने या कोई और बंदा खासतौर पर पाकिस्तान में कह देता उसकी अब तक गर्दन काटने की कम अज कम कोशिश तो शुरू हो जाती। लेकिन असल में ये इंडिया पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं होते बड़े डरपोक हैं। इनको अपनी हैसियत का नहीं पता है। ये अपनी सारी ज़िंदगी और जनरेशन जो हैं वो अपने आप को अरब साबित करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, सैयद है, कोई नकवी है, पता नहीं कौन है। अब जैसे आसमान से उतरे वैसे बने बनाए, और अरब ने जो कह दिया उस पर क्या कहेंगे। तो अब जब बाप कह रहा हो कि ये तुम्हारी हैसियत ये है और तुम्हारा धर्म ये है, तो ये कहाँ से आगे बोलेंगे। बाकी दुनिया इस्लाम के अंदर इस कदर टेंशन इतनी नहीं है। ये तमाम जो आपको मिलता है रेडिकल थॉट, ये पैदा ही ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का है। ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब का तोहफा है दुनिया को, भुट्टो साहब ने, और फिर जनरल ज़ियाउल हक ने। ये जो अकल से बिल्कुल पैदल जो लोग पैदा किए हैं वो वहाँ होते हैं। तो अब वो क्या बोलेंगे आगे से कि उन्होंने बरेलवी और दियोबंदी और पता नहीं कहाँ कहाँ से जोड़ के मदरसे बनाए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में फैले हुए हैं। बांग्लादेश के अंदर तो लाखों की वो का इज्तिमा होता है तबलीगी जमात का, जहाँ जिसकी कंडीशन होती है कि अकल और दिमाग बाहर छोड़ के आएंगे जूतों के साथ और फिर अंदर आइए। तो इनके सामने जब सऊदी अरेबिया का हरमैन शरीफैन का जो वो है प्रोटेक्टर है वो कह रहा है कि 250 साल बाद किसने क्या कहा और ये मुस्लिम और बुखारी ये सब लिखने वाले की वो है प्रेजिडिस है, तो इट इज़ अ माइंड बॉगलिंग थिंग कि सऊदी अरेबिया का बादशाह कह रहा है ये। अब ये क्या कहेंगे आगे से, चुप है, सन्नाटा है पूरी दुनिया में। खैर, ईरान का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो करबला से लेके आज तक वही उसी शिया सुन्नी के चक्कर में मुब्तला हैं, जो यमन में जंग हो रही है या सीरिया में हो रही है, हर जगह मारपीट उसी बेसिस पे हो रही है। तो उन पर उनको तो मौका ही नहीं मिला अभी ये देखने का कि ये रूलिंग के हदीसें जितनी भी हैं दे आर डाउटफुल अनलेस दे आर फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, जिसको कहते हैं कि जिसकी लाइनेज ऑफ डिलीवरेंस में स्ट्रेट लाइन हो, उसके अलावा सब शुबा की निगाह से देखे जाते हैं। अब देखिए कि कुरान के अंदर तो ना कभी सर ढांकने की बात हुई है, ना कभी नमाज कैसे पढ़नी उसकी बात हुई है। ये हज के अंदर काउंटर क्लॉकवाइज जो हम जाते हैं ये क्यों जाते हैं, ये सारा अबू सुफियान का इस्लाम जो मैयदों के थ्रू आया उसी ने हदीसें लिखी ना। ये मुआविया की औलादें और ये इट वॉज टोटली जो खिलाफत थी वो प्रॉफिट मोहम्मद के और उसके ख़ानदान के जो दुश्मन थे उन्होंने इस्टेब्लिश की और उन्होंने इस्लाम बना दिया वो, और बैकवर्ड एंट्री की कि पहले कानून बना दिया उसको वैलिडेट करने के लिए कह दिया कि ये हदीस है। अब ये इतनी बड़ी चोरी है फॉर दी लॉज ऑफ इस्लाम, इसको शरिया कहते हैं, कि आप पहले लॉ इस्टेब्लिश करते हैं फिर उसकी बैकग्राउंड देखते हैं कि इसकी ऑडिटर को क्या दिखाया जाएगा। बिल्कुल जैसे जाली अकाउंटिंग होती वैसे कर दिया। इस बादशाह के बेटे के आई एम मोस्ट डेफिनेटली कन्विंस डेट ये वो जेनरेशन है जिनकी माओ ने अमेरिका में जाके पढ़ा है, जो एक ऐसे घराने में बड़े हुए हैं जिसके अंदर समझदार औरतें रहती थीं। तो ऑब्वियसली ये
ये जेनरेशन के अंदर काफ़ी ऐसे सऊदी आए जो जो सीधे सवाल पूछने पे उनको ताज्जुब नहीं होता है या उनको इतनी अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है या आइडेंटिटी की सिक्योरिटी है कि वो ये सवाल कर सकते हैं। और ये पूरा इंटरव्यू सऊदी टीवी पे चला, अरब न्यूज़ के अंदर छपा, और उन्होंने कहा 2280 साल बाद की मैं बात कैसे यकीन करूं? अगर कोई लॉ है, अगर वो कॉन्ट्रवीनिंग, अगर वो बैक्ड अप बाय कुरानिक लॉ नहीं है तो वो हमारा लॉ नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो वो कहते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द कुरान। तो ही ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड and put doubt over the larger segment of Islamic Sharia law, जिसके ऊपर आपके दियोबंदी और बरेलवी फतवे और पता नहीं तुर्की कहाँ से कहाँ भाग के किस किस जगह हमले करके चर्चों को लूट के उसको मस्जिद बनाना, ये सब कुछ हुआ। और तो 600 साल तो तुर्कों। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के मुसलमानों का रिएक्शन आ ही नहीं रहा है। ये टॉपिक तो है पुराना, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरेबिया के करंट शहजादे, वो मतलब हदीसों को लेकर एक बात कर चुके हैं कि वो उन पर कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ चीज़ें ला सकते हैं जिसमें ऐसी बातें जो काफिरों के खिलाफ या जो किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ, उसको ख़त्म करने की, मूर्ति पूजकों को ये वो, मतलब आपको सब पता है क्या क्या लिखा हुआ है, उसको वो हटा सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये इस वक्त के हिसाब से सही नहीं है और ये तब लिखी गई थी जब प्रॉफिट मोहम्मद इस दुनिया में नहीं थे। तो आपने ये सब चीज़ें अगर तारिक फ़तेह को फॉलो करते हो तो आप देख सकते हो। तो तारिक फ़तेह ने सिंपल सा सवाल उठाया, अगर ये बात भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के किसी मुसलमान ने या किसी इंटेलेक्चुअल ने कही होती तो ये लोग तो तलवारें लेकर गर्दन पकड़ने के लिए लग जाते। ये क्यों नहीं कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं कोई बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़? करें बात, क्या रीज़न है? यहाँ के जो सैयद हैं, सैयद आप जानते हैं, सैयद एक जिस जाति से प्रॉफिट मोहम्मद से, जिस कबीले से वो थे, वो कहलाते हैं सैयद। तो अरब में तो एक ही परिवार सैयद है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 100 कह दिया मैंने कम, 1 करोड़ ख़ानदान होंगे सैयद के। आपको पता होगा अगर आपने शायद उनका मोहम्मद कौन, जो केरला के अभी राज्यपाल, उन्होंने बताया था एक बार कि अरब में एक ख़ानदान सैयद है और यहाँ पर मोहम्मद, मुझे नाम ना याद नहीं आ रहा उनका, आरिफ मोहम्मद खान ने बोला था कि अरब और में एक सैयद ख़ानदान है लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 1 करोड़ सैयद ख़ानदान है। तो ये कैसे हो सकता है? क्वाइट इम्पॉसिबल। मतलब आप समझ रहे हो चीज़ें, मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ। तो ये लोग कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो बात मोहम्मद बिन सलमान ने कही है उसके ख़िलाफ़? कुछ तो बोलो, कुछ तो प्रदर्शन करो। यूरोप होता, कोई वेस्टर्न कंट्री होती तो ये अपने ही लोगों की गर्दन काट देते। पाकिस्तान में भी हंगामा देखा था आपने, फ्रांस के खिलाफ क्या हुआ। तो ये कोई भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें इस टॉपिक के बारे में। क्या ये मोहम्मद बिन सलमान ये क्रांति की राह पर निकले हैं, क्या ये सक्सेसफुल होंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, क्योंकि जो कोई एक बार जो चीज़ सीख चुका है उसे अनलर्न करना इम्पॉसिबल है। अगर बचपन में आपको मार मार कर बाइक सिखाई गई है, बाइक चलाना सीख गए हो आप, और आपसे कह दें कि आप बाइक चलाना भूल जाओ, तो आप बाइक चलाना या साइकिल चलाना कभी भूल नहीं सकते जब तक आप गजनी ना बन जाए, मतलब आपकी याददाश्त ना चली जाए। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए।